अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, कराची में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के तनाजुर में कोर हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक आला सतही इजलास जारी है, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और आर्मी चीफ के अलावा गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और DGISI भी मौजूद हैं। इजलास में शहर का अमन और रोशनियाँ वापस लाने के लिए अहम फैसले किए जाने की तवक्को है। इससे पहले आर्मी चीफ रेंजर्स हेडक्वार्टर्स गए, जहां उन्होंने कराची में अमन लाने के लिए रेंजर्स की कोशिशों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और ये ऐलान किया कि हालिया वारदातों में मुलव्वस जो अफराद हैं इनको हर सूरत पकड़ा जाएगा। याद रहे कि मारूफ कवाल अमजद साबरी के कत्ल और चीफ जस्टिस सिंध के बेटे के अगवा के बाद सियासी और अस्करी इदारों में एक हलचल सी नज़र आ रही है, जबकि आम शहरी खौफ की गिरफ्त में नज़र आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली के मुताबिक अवैस शाह के अगवा से एक अदम तहफ़ का एहसास बढ़ा है। अगर जजेस इस वक्त अदम तहफ़ का शिकार हैं तो ज़रा सोचिए अवाम किस हाल में होंगे। 2013 में शुरू होने वाले कराची ऑपरेशन के समरात हमने 2015 में देखे, जब शहरियों ने बहुत सालों के बाद एक पुरअमन ईद भी गुजारी और कराची शहर में अरबों रुपयों का कारोबार भी हुआ। लेकिन इस साल रमज़ान शुरू होते ही पहले स्ट्रीट क्राइम और फिर टारगेट किलिंग में इजाफा देखने में आया, तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि आज के आला सतह इजलास में जो भी फैसले होंगे इनके जो मौसर नतायज हैं ये ईद से पहले निकलेंगे और कराची के शहरी इस साल भी पुरअमन और पुरसकून ईद गुजार पाएंगे। MQM और पीपल्स पार्टी जो कराची ऑपरेशन पर तहफ़ुज़ात का इजहार करते रहे, क्या इनके तहफ़ुज़ात दूर हो पाएंगे? इस पर भी आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर करने की तैयारी कर ली है। वज़ीर आज़म के अलावा इस रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इजहाक डार और कैप्टन सफदर के नाम भी शामिल हैं। रेफरेंस में दावा किया जाएगा कि ये पाँचों अफराद आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए इनको नाअहल करार दिया जाए। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुताबिक पीपल्स पार्टी एक शफाफ एहतसाब चाहती है और अगर हुकूमत ने चालबाजी की तो अवाम को हम सड़कों पर लाएंगे। और जवाबन वफाकी इत्तलात का कहना है कि रेफरेंसेस से वज़ीर आज़म को नाअहल करवाने के ख्वाहिशमंद मुँह की खाएंगे। अहम बात यह भी है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जिस इलेक्शन कमीशन में पहुँचे हैं वो सूबाई अरकान की रिटायरमेंट के बाद पहले ही बेकार है, जिनका तकरर वज़ीर आज़म की अब वापसी के बाद ही मुमकिन होगा, यानी ये बात अब ईद के बाद तक जाएगी। बाज़ अपोजिशन पार्टियाँ बशमूल काफ़ लीग को यह एतराज़ था कि इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान की तकरूरी में उनसे भी मुशावरत की जाए, जिस पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तमाम अपोजिशन जमातों के पार्लियामानी लीडरों का इजलास भी तलब किया है ताकि उनके नामों पर मुशावरत की जा सके। 2018 के इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक़ राय से मेम्बरान का तकरर किया जाए ताकि हमें आइंदा धांधली के इल्ज़ाम ना सुनाई दें। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकरर कब तक होगा? क्या फिर ये एक बड़ा सियासी मसला बन सकता है या फिर इस मामले को तूल दी जा सकती है? इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब मौजूद हैं, ज़फ़र हिलाली साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, MQM के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच साहब कुछ ही देर में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। एक आला सतह इजलास जारी है कराची में इस वक्त, कराची के अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। चौधरी निसार कराची में हैं, आर्मी चीफ कराची में है। हिलाली साहब, अगर देखा जाए तो हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल के बाद अमजद साबरी का कत्ल कराची का एक दूसरा ऐसा बड़ा वाकया है जिसने कराची को, पूरे कराची को झंझोड़ के रख दिया है। उस वक्त भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, आज भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, लेकिन फ़र्क ये है कि आज एक बड़े पैमाने पर रेंजर्स की जानिब से ऑपरेशन जारी है और आर्मी चीफ ने तो रेंजर्स की कारकर्दगी को भी आज सराहा है, उनकी कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया है, उनकी तारीफ़ की है रेंजर्स की कारकर्दगी की। तो फिर हम क्या समझें कि कराची में जो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, टारगेट किलिंग्स ने एक दफ़ा फिर से सर उठा लिया है, तो क्या फिर ये जो सवालिया निशान है ये सिंध हुकूमत की नाअहली पर लगना चाहिए? शाजिया, बात यह है कि मेरे ख्याल में सबको पता है कि क्या क्या डिफेक्ट्स हैं इस वक्त इस सिस्टम में, और शुरू हम ये उससे करना चाहिए 18th अमेंडमेंट से, जिधर लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंस का जिम्मेदार उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कर दिया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा कि तुम पुलिस के भी सरबरा हो। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब आपने कहा, पूरे एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन जीत के आई है, कि पुलिस भी आपके तहत हैं,
तो वो पुलिस की जो न्यूट्रलिटी है, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ख़त्म हो गई है। और जब पुलिस की न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है तो पुलिस को जस्टिस और इंसाफ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब पुलिस को पता है करप्ट को, पुलिस तो खैर खुद ही भिगी हुई है करप्शन में, मगर पुलिस को पता है करप्ट को, मगर उनको वो हाथ नहीं लगा सकते। और अगर फाइनेंसेस को आप छू नहीं सकते तो टेरर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ किसको नहीं पता है देयरफॉर कि ये पुलिस को रिवैम्प करना चाहिए, मगर पुलिस की रिवैम्पिंग कुछ नहीं हुई है अभी तक। जैसे मैं कहता रहता हूँ, रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग्स, प्रमोशन पैसे पे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होता है। अब आप आ जाएं जी रेंजर्स, रेंजर्स और पुलिस का जो भी आप कहें, जितना भी आप को क्या कहते हैं होप करें, उम्मीद रखें कि इनकी कोऑपरेशन अच्छी होगी, फैक्ट इज कि उनकी कोऑपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पे इंटेलिजेंस शेयरिंग, अब आप देखिए इंटेलिजेंस शेयरिंग जो होता है, जब आपको रॉ इंटेलिजेंस आता है उसी वक्त ऑन द स्पॉट जरूरी है कि वो इंटेलिजेंस आप जाके बिटवीन द पुलिस और बिटवीन द रेंजर्स शेयर करें, मगर ये ज्यादातर नहीं होता है। होता यह है कि दोनों अपने हेडक्वार्टर्स को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उधर से इजाजत लेते हैं, और जब तक वो इजाजत आई और पता नहीं किस किस्म का स्पिन आया, इट बिकम्स ऑलमोस्ट टू लेट। तीसरी बात मैं आपको यह कहूंगा कि इंटीरियर सिंध में बहुत सारे लोग हैं जो जाके अब छुपे हैं, बहुत सारे टेररिस्ट जो निकाले गए हैं वो उधर हैं, उनको उधर प्रोटेक्शन मिल रहा है, उनको उधर लोग जो है उनका देखभाल करते हैं। तो क्यों नहीं ऑपरेशन एक्सपेंड करें, प्लीज इंटेंसिफाई करें और इंटीरियर सिंध में ले जाएं। एक और बात, मिसाल के तौर पे रेंजर्स, अगर एक छोटी सी बात, रेंजर्स अगर डॉक्यूमेंट्स लेने किसी बार जाते हैं, आप हैरान होंगी कि कोई डॉक्यूमेंट्स रेंजर्स किसी से ले नहीं सकते जब तक चीफ मिनिस्टर उनको इजाजत नहीं दिए। अरे भाई ये क्या बात है, आपके पास इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको उठा नहीं सकते जब तक चीफ मिनिस्टर आपको नहीं, जब तक चीफ मिनिस्टर आपको इजाजत ना दे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन का तो हो ही नहीं सकता। आप कोर्ट में भी, मिलिट्री कोर्ट में चीफ मिनिस्टर तो कहते हैं कि रेंजर्स जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट ही चौधरी निसार को करती है, वो तो एतराज ये करते हैं। देखिए अगर चौधरी निसार को कहती है, दैट्स अनदर डिफेक्ट, इसलिए कि उस वक्त उनको रिपोर्ट करना चाहिए जो अथॉरिटी और कमांड उनको कर दे सकता है, अथॉरिटी टू ऑपरेट। और चीफ मिनिस्टर साहब, मैं तो देखता हूं हर तीसरे दिन या रेंजर्स या कोर कमांडर चीफ मिनिस्टर साहब के बैठे रहते हैं, उनको ब्रीफ करते रहते हैं, तो अगर उनका चीफ मिनिस्टर के साथ उनका कुछ नहीं है तो फिर उनके पास क्यों जाके बैठे रहते हैं। अभी आपने पुलिस की बात की, ठीक है ठीक है, अभी आपने पुलिस की बात की डॉक्टर शाहिद साहब, वजीर दाखिला सिंध और आईजी पुलिस ये एतराज करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि कराची पुलिस टेक्नोलॉजी के हवाले से जहां 20 साल पहले खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। इसका मतलब यह है कि उनके पास वो जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे इस्तेमाल करके दहशत गर्दों तक पहुंचा जा सके या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके या उनको अपनी गिरफ्त में लाया जा सके। अगर ऐसा है तो फिर कराची ऑपरेशन की पायदारी जो है ये कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, कैसे कराची ऑपरेशन कामयाब हो सकता है पुलिस की कोऑपरेशन के बगैर? देखें शादी, झूठ बोलते हैं कि 20 साल पहले पुलिस की हालत जो है वो वैसी थी जैसी आज है। 20 साल पहले की पुलिस बहुत बेहतर थी, इस पुलिस से बहुत बेहतर थी, ना उसमें टारगेट किलर्स, ना भत्ताखोर, ना ये जरायम पेशा नासिर, इस तरह के लोग नहीं थे, इज्जत हुआ करती थी पुलिस की, बहुत बेहतर थी पुलिस 20 साल पहले, बात एक। बात नंबर दो, आज जो कराची में इजलास हो रहा है उसमें आपकी पोलिटिकल लीडरशिप कहाँ है? इजलास हो चुके हैं, अब जो इजलास हो रहा है इस वक्त उसमें फैसले जो पहले दो इजलासों में, एक कोर हेडक्वार्टर में गालिबन हुए, एक रेंजर्स हेडक्वार्टर में हुए, मीटिंग्स हो चुकी हैं, और अब जो इजलास हो रहा है उसमें सिंध हुकूमत कहाँ है? सिंध हुकूमत का कौन सा आदमी बैठा है? जो गवर्नर सिंध है वो तो वफाकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और चौधरी निसार वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वहां सिंध हुकूमत कहाँ है? वहां मौजूद नहीं है कहीं सिंध हुकूमत, वजीर आला सिंध नहीं, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, बात ये इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट। आपके सिंध हुकूमत में दहशत गर्द खुद भी बैठे हुए हैं और दहशत गर्दों के सहूलतकार भी बैठे हुए हैं और माशी तौर पे उनको उनको हर तरह से सपोर्ट करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग जो जेआईटी पे साइन नहीं कर रहे। उज़ैर बलोच की जेआईटी क्या थी कि उसमें पुलिस के लोग इंस्पेक्टर चांद न्याजी अर्शद पप्पू को अगवा कर लिया गया, ऐसा नहीं था क्या? मिनाज काजी या बाकी लोग, निसार मोराई या सारे के सारे लोगों के जीआईटीज में सियासी लोग नहीं है? देखें बात यह है कि सिंध एक ऐसी जगह पहुंच चुका है
कि अब इस ऑपरेशन को, अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन इस कामयाब ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक लाने की जरूरत है कि वो फैसले जो आप कर चुके हैं वो फैसले दोबारा ना करें, उन फैसलों पे अमल दरामद करें। बनाया है आप अगर नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल कर ले तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप डिसीजंस ना करें, डिसीजंस पे इंप्लीमेंटेशन करें। फैसले तो हो चुके हैं, फैसलों पे आपने अमल दरामद करना है। जिन लोगों को आज की तारीख तक बिहाइंड द बार्स होना चाहिए था और या उनको सजाएं होनी, कल भी बात की थी मैंने, उनको आप कैसे बिठा सकते? ये बिल्कुल ऐसे है शाजिया, आप उमर खालिद खुरासानी से कहें कि एक एपेक्स कमेटी का इजलास करना है, हमने फाटा के अंदर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मुल्ला फजलुल्लाह, उमर खालिद खुरासानी, तुम लोग सारे आ जाओ और इजलास में बैठ जाओ और तुम्हारे साथ हम डिस्कस करते हैं कि टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन कैसे। आप उनको इस, ये आज एक तरह से सिंध हुकूमत, मैं कहता हूं थोड़ा सा भी अगर इनमें शर्म है या कोई चौधरी निसार साहब के जो अल्फाज हैं, चौधरी अपना ख्वाजा आसिफ साहब के, इनमें होती जो कि नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये खुद ही चले जाते, लेकिन मसला ये है कि इनको चूंकि पता है कि ये खुद इस तरह नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो अंदर जाएंगे, इसलिए ये मजबूरन देख रहे हैं कि इनकी किस्मतों का फैसला क्या हो रहा है। वो इजलास वहाँ जारी है या हो चुके हैं इजलास, ये एक दूसरे से पूछ रहे होंगे यार कोई खबर आई अंदर से, मेरा नाम तो नहीं, मुझे, मैं तो नहीं पकड़े जाने वाला हूँ, यार भागो, देखो अगली फ्लाइट कौन सी है दुबई से लंदन की, क्या जो भी डिटेल्स आएंगी हम तक पहुंच जाएंगे। अभी तो इजलास जारी करने वाले छोटे छोटे लेवल के जेब कतरे ये आला जगहों पे बैठे हुए हैं। जी हिलाली साहब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक ले लूं, पहले ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम में, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, एम क्यू एम के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम शादी। सलमान साहब, एम क्यू एम हालिया जो दो वाकयात कराची में पेश आए, अमजद साबरी का कत्ल, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे का अगवा, एम क्यू एम इस वाकये के बाद कराची ऑपरेशन पर बड़े सवालात भी उठा रहे हैं, इससे पहले भी कराची ऑपरेशन पर एम क्यू एम को तहफ़ुज़ात रहे हैं। चौधरी निसार कहते हैं कि इन दो वाकयात से कराची ऑपरेशन को नाकाम करार नहीं दिया जा सकता, आखिर आपके ऐसे क्या तहफुजात हैं जो दूर नहीं हो पा रहे हैं? आज भी आला सतह इजलास हो रहा है कराची में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, अब उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसे फैसले सामने आएंगे जिससे कराची के अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। आप लोगों के क्या तहफुजात हैं शुरू दिन से लेकर आज तक जो दूर नहीं हो पा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। देखें शाजिया, चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट सज्जाद अली शाह के बेटे का दिन दाड़े अगवा हो जाना, उसके दो दिन बाद अमजद साबरी जो एक मारूफ कवाल भी थे और पाकिस्तान के सफीर थे, खूबसूरत आवाज थे, अच्छे इंसान थे, उनका दिन दिहाड़े मर्डर हो जाना, तो हम सवाल तो उठते हैं हालिया ऑपरेशन पे कि जब ये दावे किए जा रहे थे कि जनाब कराची में अमन बहाल हो गया है, ऑपरेशन बहुत कामयाबी से जारी हो सारी है, भत्ताखोर दहशत गर्द टारगेट किलर्स को जो है वो यहाँ से कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, तो फिर ये दो वाकयात का हो जाए, और अब तक जो है ना अमजद साबरी के कातिल पकड़े गए, ना उनका सुराग मिल सका, ना ही अवैस अली शाह को अब तक बाजियाब कराया जा सका, क्लू लेस है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्लू लेस चल रही है, विदाउट डायरेक्शन चल रही है, तो हमारा सवाल उठाना, बल्कि हमारे साथ एनजीओज ने सोशल, हेलो सलमान साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ साथ और भी लोगों ने, और भी तबका है जिंदगी ने जो है, दानिशवरों ने, जो एनजीओ है उन्होंने जो आवाज सवाल उठाए इस ऑपरेशन पे, कि जब कराची में इतना भरपूर ऑपरेशन जारी हो सारी है, और हम ये अभी भी कहेंगे कि आज जो ये बैठक हुई है, बड़ों की बैठक हो रही है कराची में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यहाँ पर आना, चौधरी निसार साहब मौजूद है, तो इस पर जो है कराची की इम्पोर्टेंस और कराची में जो हालिया वाकयात जो हो चुके हैं उसका जो है वो जाहिर होता है कि वो कितने कंसर्न है, उतना कंसर्न हम भी हैं, कराची का अमन हमारे लिए सबसे अव्वलिन तरजीह है, तो हम यही कहेंगे डायरेक्शन को दुरुस्त करने की जरूरत है, और अगर आप एक पार्टी के पीछे जाएंगे, सिर्फ एम क्यू एम के कारकुनान के पीछे जाएंगे, दहशतगर्दों के पीछे नहीं जाएंगे, उनको खुली आज़ादी होगी, हमें ज़कात फितरा करने से रोका गया है, कालेदम जमातें कराची में ज़कात फितरा कर रही हैं, दहशतगर्दों को खुली आज़ादी है, भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, भत्ता ना देने पर ताजरों का कत्ल भी शुरू हो गया है, तो इस किस्म के जो वाकया थे सवालात तोड़ते हैं, इसी वजह से एम क्यू एम ने कहा। लेकिन वजीर अला सिंध साहब आप पर सवालात उठाते हैं कि जब 90 पर रेंजर्स जाती है तो 90 से वो लोग भी
पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं जिन्होंने एक सहाफ़ी को कत्ल किया, और लोग भी पकड़े जाते हैं जिसने सहाफ़ी को कत्ल किया, बहुत से लोग मारे गए, सिर्फ एक ही बचा था जिसको रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है। तो सवालात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों पर भी बहुत उठाती है। शाजिया देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वतीरा ही रहा है, 85 साल से ज़्यादा आदमी को जो है वजीर आला बनाया हुआ है। उसने कल जो अमजद साबरी की जगह जुनेद जमशेद को शहीद करार दे दिया, जिस तरह आदिब फरियाल ने जो बिलावल को शहीद करार दे दिया था कश्मीर के जलसे में। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का तो मैं क्या कहूँ, होना ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी के हुजरा जो अमजद साबरी के जनाजे में शरीक होते, कोई नहीं आया। जब सोशल मीडिया पे आवाम की तरफ से जो है ये सवाल उठाए गए, तो उसके बाद जी वजीर आला भी आ रहे हैं, वजीर दाखिला भी आ रहे हैं, डी जी रेंजर्स भी आ रहे हैं, आई जी भी आ रहे हैं, वफाकी वजरा भी आ गए, तो उनका तो हम यही कहेंगे कि जी वो बस 90 पे छापा था, चले आपने पकड़ लिया, वहाँ से 90 के अतराज से केस चल रहा है, जेलों में है, लेकिन वो तो चलो जेल में चले गए ना, सो कॉल्ड दहशतगर्द। अब जो दहशतगर्द जो यहाँ पे माजर पिधर आजाद घूम रहे, उनको कौन पकड़ेगा? आखिरकार अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सूबाई हुकूमत की है। लेकिन मौसम माशरों में तो ये होता है, जब इतने बड़े सानात हो जाए तो वजीर दाखिला, वजीर आजम या वजीर आला जो है इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ तो रिवायत ही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, हमें उम्मीद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है कि जी खुदारा आप डायरेक्शन को चले, आज देखते हैं क्या हम फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपका। जफर इलाली साहब, इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। सीधी सादी बात यह है कि अभी बलोच साहब को सुनने के बाद क्या अभी तक हम लोग समझ नहीं सकते हैं कि या पीपीपी की गवर्नमेंट या एमक्यूएम की गवर्नमेंट या एमक्यूएम कोएलिशन पीपीपी, इनसे काम नहीं होता है भाई। एक न्यूट्रल गवर्नमेंट हम चाहिए, हमें 2 साल के लिए कम से कम खुदा के लिए कराची को गवर्नर्स रूल दें, सिंध को गवर्नर्स रूल दें। अगर सिंध में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाके अपने वो जो भी करते हैं करना चाहते हैं दें, कराची को तो कम से कम हमें एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दें, ना पीपीपी ना ये। जब तक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा आपके पास कुछ नहीं होंगे। एक दूसरी बात है, रेंजर्स को अरेस्ट करते हैं लोगों को, किसको देते हैं रेंजर्स अरेस्ट करके? पुलिस को। वो पुलिस क्या करती है उनके साथ, जो उनके सब पेट्रंस बैठे हुए हैं, आधे गवर्नमेंट आधे आउट ऑफ गवर्नमेंट, पता नहीं किधर किधर वो इन एक्शन आ जाते हैं और उस आदमी को छुटकारा हो जाता है। बेसिकली डॉक्टर आसिम के साथ तो यही हुआ है। खुदा के लिए जाके पढ़ें, 1980s में हांगकांग में बिल्कुल यही एक सिचुएशन था। हमारे लोगों को जब एंटी टेररिस्ट एक्शन पे चलते हैं, खुदा के लिए जाके पढ़ें, दूसरे मुल्कों में देखें, मलेशिया में देखें, हांगकांग में देखें। हांगकांग में 2 साल में उन्होंने ये मामला खत्म कर दिया। क्यों? कि रूल्स में वो रूल्स ऐसे बनाए थे कि अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, इंटरवेंशन के ऊपर से किसी की जरूरत नहीं थी। तो ये बातें हैं जो हम लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा ये देखें, सीसीटीवी देखें, 14 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं ब्रिटेन में, लंदन में 20 दो सेम पॉपुलेशन एज कराची, 14 लाख। हमारे पास 2000 कैमरास हैं जिनमें से 80% काम नहीं करते। खुदा के लिए कम से कम कुछ तो ये रेंजर्स को पैसे एक्स्ट्रा दें कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं सेंसिटिव एरियाज को गार्ड करते हुए। ये जब तक कुछ नहीं होगा, जितने भी आप मीटिंग्स कर लेंगे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, कराची में अब तक जितने हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के केसेस हुए हैं, इसमें सानिया सफूरा के अलावा कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए, बाकी जो मुकदमात हैं उनमें सिर्फ तफ्तीश जारी है, मुकदमात निपटाए नहीं गए, क्या मुकदमात का जल्दी ना निपटना, अदालतों से सजाएं ना मिलना, जीआईटीज का बन जाना लेकिन जीआईटीज के नतायज ना निकलना, क्या ये वो सारी वजूहात हैं कि आज कराची जैसे शहर से दहशतगर्दी खत्म ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि सजाओं का निज़ाम ही नहीं है? देखें, ये जो कलदम जमातों के खिलाफ है ना, कलदम जमातों के लोग जो कलदम मजहबी जमातें हैं, जो मजहब का नाम लेके लोगों को मारते हैं मसाले की बुनियादों पर, आप मुझे लगता है थोड़े दिनों में वो सारे के सारे सियासी जमातें ज्वाइन कर लेंगे। वैसे भी वो चैनल 2 किलिंग्स होती हैं, वो कराए के कातिल काम करते हैं सियासी जमातों के लिए भी और कलदम जमातों के लिए, लेकिन वो बाकायदा ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि यार हम कलदम जमातों में तो हमें तो फांसी लग रही है, सियासी जमातों वाले अपने आप को बचा के ले जाते हैं। एक सियासी जमात के लोग पकड़े जाते हैं तो वो यानी अभी को पकड़ा, मिसाल के तौर पर अमजद साबरी का पकड़े जाए कातिल कलदम जमातों के होंगे तो सब तालियों में जा रहे होंगे बैठ के, सारी सियासी जमातें खुश। अच्छा, जब एक सियासी जमात का निकलेगा बंदा तो वो कहेगा ओ ये तो हमारे खिलाफ मजालिम का ऑपरेशन का सिलसिला पिछले पता नहीं कितने सालों से जारी है, ओ जी हमारे ऊपर तो पाकिस्तान बनाने वाले थे। दूसरे के खिलाफ पकड़ा जाएगा बंदा, ओ जी जमहूरियत के खिलाफ हमारी कुर्बानियां होती, हमारे तो कायद को फांसियां। ओ भाई खुदा का वास्ता, ये मजहब और सियासत से जुर्म को अलग करो, ये जराइम पेशा नासिर का क्या ताल्लुक है?
एक से एक पढ़ा लिखा आदमी एमक्यूएम में, एक से एक अच्छे लोग पीपल्स पार्टी में, मजहबी जमातों में, वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को आप जब तक बंद नहीं करेंगे सपोर्ट करना, ये कैसे ऑपरेशन कामयाब होगा? यानी अब सलमान मुजाहिद बलोच साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, वो कह रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ओ भाई उधर निसार मोर, वो कह रहे हैं ये निसार मोराई के खिलाफ क्यों होगा, आप कह रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ क्यों होगा, वो कलादन जमात, ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, होगा, होना चाहिए सबको एक साथ। यानी आप इसमें एमक्यूएम को महाजनों क्यों लेकर आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी इसमें क्यों लेकर आ रही है जमहूरियत की कुर्बानियां, वो मजहब क्यों? आप जराइम पेशा अनासिर को अलग करें मजहब से और सियासत से, बड़ी सियासी जमातें, और हैंग देम हाई, या बेगुनाह हैं तो उनको आजाद करें, उनको रिहा करें बाइज्जत तरीके से, उनको घरों पे भेजें वापस, खत्म हो गया मामला। ये तो इतना मुश्किल मसला नहीं है, ये इतना मुश्किल मामला नहीं। बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती के अदारे, आपकी अदालत को मैसेज चला गया कि जी ये चीफ जस्टिस का बेटा अगवा हो सकता है, आपके लोग डिमोरलाइज होना शुरू हो गए दोबारा। अच्छी बात इसमें क्या हुई, अच्छी बात ये हुई है, जो बहुत अच्छी बात हुई है, ये देखें, एक तो ये कि ऑपरेशन वापस नहीं हो सकता, दूसरी बात 100-100 बंदा कराची में मरता था एक एक रोज में, ये सारे जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, जो गज गज लंबी ज़बानें, ये शाम को सब सर जोर कर बैठते थे जब ये रात को बैठते थे, मुकमुका होता था, डील होती थी, अगले दिन ये फिर गले मिल जाते थे सारे के सारे, 2-3 साल पहले तक 100-100 लाशें गिरती थी शहर में, शहर बांटा हुआ था इन्होंने, ये तुम्हारा इलाका है, ये मेरा इलाका है, तुम्हारा ऑफिसर है, ये मेरा ऑफिसर है, तुम्हारा SHO है मेरा, ये खा रहे थे सारा मिलके, और अभी भी एक ही सारे के सारे, ये आप इनके ये ना ज़्यादा शोर और चीख अंदर से सारे एक है, सारे माली तौर पे इनके मफादात एक हैं जी। ठीक है नाज़िम, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, बाद के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की नाअहली पर रेफरेंस दायर कर दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल रेफरेंस दायर करने जा रही है लेकिन इलेक्शन कमीशन मौजूद नहीं है, ये क्या सूरत हाल है, बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमद है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल बड़े सबूतों के साथ रेफरेंस दायर करने जा रही है वज़ीर आज़म साहब की नाअहली के लिए। ये सबूत के इलेक्शन 2013 में शरीफ ख़ानदान 6.5 अरब का नादहिंदा था, स्टेट बैंक ने भी कहा था ये नादहिंदा है, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या ये रेफरेंस उस वक्त दायर नहीं कर देना चाहिए था जब इमरान खान 2014 में धांधली के खिलाफ शोर मचा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, धरने कर रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तब ये मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे, वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े थे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज कर रही है ये ठीक है, या जिस वक्त उन्होंने जमहूरियत का साथ दिया था, मियाँ साहब का साथ दिया था, ये उस वक्त ठीक थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जो है वो तो खुद आज नाहल करार पा गई है, जो कराची के हालात हैं और कराची में जो फैसले किए जा रहे हैं वो तो खुद नाहल हो गए, तो नाहल नाहल के खिलाफ कैसे जा सकता है, एक बात। दूसरी बात ये कि वजीर आजम साहब इररेलीवेंट हैं, इररेलीवेंट, ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना, इसका मकसद है इररेलीवेंट, वजीर आजम हो या ना हो, आपके न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, आपके बॉर्डर के मामला, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, आपके कराची का, वजीर आजम है तो अच्छा, नहीं है तो भी ठीक। अब हमारे आपको पता है ममनून हुसैन साहब जो सदर हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, वो इतकाफ़ में बैठ गए, वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी इबादतें, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, हमारी भी करे, लेकिन अगर वो एक महीने के लिए भी इतकाफ़ में बैठ जाएं कि 40 रोज़ के चिल्ले में चले जाएं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फ़र्क। ये इररेलीवेंट लोग हैं, ये पोलिटिकल करेक्टर्स आपके इररेलीवेंट हो गए, बल्कि ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। सिंध हुकूमत क्या सोल्यूशन है मसाइल का? मसाइल खुद वो मसला है सबसे बड़ी। आप निसार मोराई की आपका मतलब है अगर ये सारे इररेलीवेंट है तो मामला कोई और हाथ चला रहा है, ये बता दे, मामला पीछे से कहीं और से चल रहे हैं? नहीं, कोई चला नहीं पा रहा ना, ये जब तक आप इन मसाइल, ये खुद सिंध हुकूमत, मुझे बताएं कराची में सिंध में ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा अगर आप JID में साइन नहीं करता पुलिस ऑफिसर? मुझे आप बताएं कि आपकी कैसे सफारती पॉलिसी आगे बढ़ेगी अगर वजीर खारजा नहीं होता? यानी खुद अगर आप मसला है तो आप मसाइल को कैसे हल करेंगे? आप देखें ना, मैं जो बात, ये इररेलीवेंट लोग हैं, इनको आप साइडों पे बिठा दें, सबको कहेंगे यार अपने अपने घर पे आराम करो, तनख्वाहें लेते रहो, तुम MNA हो, तुम सेनेटर हो, वजीर हो, घर बैठ के इनको तनख्वाहें इनकी देते रहें, या तो इस तरह से कर लें कोई तरीका। ये पार्ट, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब कराची में मुझे नहीं पता क्या फैसले हुए हैं कराची में ऑपरेशन, लेकिन कराची में आप स्पेशल थाने बनाएं, खासतौर पर थाने,
जिनके अंदर रेंजर्स पकड़ के लोगों को रखे, आप सिंध पुलिस के हवाले कैसे कर सकते हैं आप? यानी सिंध पुलिस तो वही सिंध पुलिस के लोग हैं जो कि खुद जराइम पेशा अफराद पे मुश्तमिल हैं। आप रेंजर्स उनके हवाले करें, उसके बाद आप प्रोसिक्यूशन करें, उसके बाद आप GITs बनाएं, और वो GIT अंदर जाके निसार बोरे चीख रहे हैं कि जी मैं पहले बता दूं मैंने जो रिकॉर्डिंग करवाई है वो सब झूठ है, उसको पता है कि डॉक्टर आसिम का मामला और बाकी मामला। इस तरह मामला नहीं होगा। फ्री हैंड आप दें, 15 दिन 20 दिन के अंदर मुकदमात अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे, बेगुनाहों को आप छोड़ें, इज्जत के साथ गुनाहगारों को आप सजाएं, दे दें, हैंग दें भाई और फ्री दें। ये मामला मरकज में जो नाहली की बात हुई, नाहल हुकूमत को आप एक सर्टिफिकेट ही देना है ना कि वो नाहल है, बस तो देना है सर्टिफिकेट तो दे दें, नहीं देना तो ना दे, वो वैसे भी नाहल ही रहेंगे। ये नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI जो सब कुछ करने जा रही है, ये सब कुछ करने जा रही है, सूरत हाल 2018 से पहले इलेक्शन को लेकर जा सकती है, 2018 तक रहे, ये 2050 तक रहे। मैं कह रहा हूँ इनके करेक्टर ये लोग इररेलेवेंट हो चुके हैं ना, मुल्क कैसे चल रहा है देखिए ना, मुल्क अब इसके बाद क्या बात कीजिए। हाँ किस्सा ही मुक गया ना, ये नहीं, ये अब इनको या तो इज्जत से चले जाएं, अच्छा इज्जत से जा इसीलिए नहीं पा रहे कि NRO नहीं बन रहा, ये तो जाने को तैयार है, ये कह रहे हैं हमारा पैसा वैसा जितना है भाई हमारी जान छोड़ दो, ये लाहौर की मॉडल टाउन की FIR से हमारा नाम निकाल दो, हम जाने को तैयार है। नाम कौन निकाले, कैसे निकल सकता है नाम, मुझे बताएं मॉडल टाउन की FIR से नाम कैसे निकल सकता है वफाकी वज़रा का और वज़ीर आज़म का? तो वो तो अब वो NRO नहीं हो रहा उनका, उनके मामला तय नहीं हो रहे, तो वो कह रहे हैं वो साजिश हो रही, ये हो रहा है, फ्लावर है। मेरा ख्याल है कि ये सारा का सारा ऑपरेशन, मैं तो शादी आपको पता है बहुत हमेशा से पुर उम्मीद रहा हूं और अल्लाह का शुक्र है मैं आज, लेकिन आज बिल्कुल कल से ज्यादा पुर उम्मीद हूँ, आज नहीं लग रहे आप? नहीं नहीं, मैं ज्यादा रमजान में थका हुआ हूँ, मैं नहीं नहीं मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ, ना 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 मैं इतना पुर उम्मीद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बात यह है कि इन्होंने ऐसे ही मामला ने हल होना था, मामला ने ऐसे ही हल होना था और अल्लाह का शुक्र है। देखिए 100-100 बंदा मरता था कराची में, कभी किसी को फिक्र होती थी? ये रात को बैठ के पार्टियां करते थे सिंध के अंदर। आज एक अमजद साबरी शहीद के ऊपर कम से कम ये वो जो हुआ है, कम से कम पूरा मुल्क बैठ तो गया ना वहां कराची में जाके, ये बात पहले मैंने की थी कि हकीम सईद के कत्ल के बाद ये दूसरा ये बड़ा वाकया है, वजीर आला ने क्यों नहीं जला, कल वजीर आला शेर सुना रहे हैं खड़े हुए, 3 घंटे तकरीर करते रहे बैठ के, वो क्या किया उन्होंने? चले जफर हिलाली साहब से पूछ लेते हैं, वो इजलास जो आज पहुंच कर रही है कल इनको करना चाहिए था। सही हिलाली साहब, आप पूरी उम्मीद है कि नहीं? नहीं, मैं तो हर वक्त मैं शुरू से कहता रहा कि ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है, ये स्टेट नहीं है, और हमारा प्रॉब्लम जो है ये टर्मिनल है। बहरहाल अब आप पूछ रहे हैं मुझे कि अब कुछ ऐसी ही बात नहीं हुई है कि मैं अपना माइंड को चेंज करूं, मगर मैं अगर आपके सवाल पे वापस जाऊं और वो ये है कि देखिए ये एक रेस शुरू हो गया है जो पहले इस इलेक्शन कमीशन के अदालत में पहुंचे PTI का और PPP का, और दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के सबूत समेत उन्होंने अपने एप्लीकेशंस पेश किए हैं कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली को नाइल किया जाए। और ख़ास तौर PPP के एप्लीकेशन में आपको पता शायद हो कि नवाज शरीफ साहब के एक कज़न हैं, उनका नाम है खालिद शिराद, उन्होंने बीबी को एक ख़त लिखा था और उस ख़त में उन्होंने पूरे उनके जितने प्रॉपर्टीज़ थे बाहर डिक्लेयर किया था, और उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने माने नवाज शरीफ साहब ने नहीं डिक्लेयर किया। बहरहाल ये सब कोर्ट अब देखेगी, EC तो है ही नहीं, 2 और महीने के लिए इलेक्शन कमिश्नर जो 4 हैं वो नहीं होंगे, और अगर वो अग्रीमेंट हो गया माने के वो कमेटी में PTI कह रही आपने हमें मेंबर्स नहीं बनाए और हम ये कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे, पता नहीं ये कैसा रिजॉल्व होगा। मगर जो भी हो शाजिया, अब ये हमारा लॉ ऑफ एविडेंस ऐसा है, इनको इतना देर लगेगा, बुल के बाहर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, ये होगा सड़कों पर, और अब सड़कों पे होगा और पंजाब के सड़कों पे होगा। इसलिए किसी ने कहा था और बिल्कुल सही कहा था कि PTI नहीं चाहती है कि उधर हो खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर तो फैसले सड़कों पर होंगे तो फिर तो हुकूमत की मुद्दत पर सवालिया निशान उठेंगे कि हुकूमत जो अपने टेन्योर पूरा करेगी या नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, मतलब ही यही है सड़कों पे आना था कि 2018 के पहले इनको ख़त्म करें, इनको रवाना करें। तो ये मेरे ख्याल में अब वी आर, दिस इज़ द प्रॉस्पेक्ट वी आर फेसिंग।
अब ये कैसे होगा? माने अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने कहा कि ये खोसा साहब जो हैं, ये पी 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 के जनरल सेकेटरी है। इन अदर वर्ड्स, आज तक आप जो कहते रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुफामती पॉलिसी पर चल रही है नून लीग के साथ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आती है तो मुफामती पॉलिसी को तो खत्म समझा जाए फिर? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये देखिए, एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट बन रहा है बिलावल का शायद, इसलिए कि जो जो चार पीज हैं वो है मिस्टर जरदारी के पार्टी, और जो तीन पीज हैं वो है बिलाल साहब की पार्टी। अब क्यों नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्यों नहीं पहले इन्होंने जॉइंटली ये एप्लीकेशन क्यों नहीं पेश की इलेक्शन कमिश्नर को? इसलिए शाजिया कि फिर अगर सेपरेटली हो तो मुख मुकाओ का भी इनके पास एक मौका होगा। आप समझे मेरी बात? तो ये एक किस्म का गेम है, मगर बेसिकली मेरे ख्याल में अब इट इज नॉट इन द कोर्ट्स, ये सड़कों पे फैसला। लेकिन बात ये डॉक्टर साहब, जब इलेक्शन कमीशन ही नामुकम्मल है तो रेफरेंस क्यों दायर कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी? देखिए, रेफरेंस तो अदालतों में भी जाएगा ना, इलेक्शन कमीशन में भी जाएगा, अदालतों में भी जाएगा, और सड़कों पर जो बात हिलाली साहब कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि सड़कें तो हैं ना। फिर अगर फैसला, अब देखें इरेलीवेंट, यानी पार्लियामेंट इरेलीवेंट होगी कि नहीं होगी, मुझे आप बताएं। पार्लियामेंट जब टीओआर पे नहीं तय कर सकी मामला, तो क्या पार्लियामेंट इरेलीवेंट हो गई या नहीं हुई? हो गई। अगर आप एक फैसले को पार्लियामेंट नहीं हल कर सकी तो इरेलीवेंट होगी। मैंने कहा ना कि अदारे भी इरेलीवेंट हो। हम चीख चीख के थक गए कि नैब मेगा करप्शन उठाए, नहीं उठाया। लोग अदारे रेलिवेंट रखेंगे अपने आप? क्यों सिंध पुलिस इरेलीवेंट है आज? क्यों कराची में सिंध पुलिस का कोई आदमी नहीं बैठा? इरेलीवेंट। क्यों चीफ सेक्रेटरी नहीं बैठा? इरेलीवेंट। अगर आप इरेलीवेंट होते जाएंगे, वफाकी हुकूमत इरेलीवेंट, पार्लियामेंट आप इरेलीवेंट होते जाएंगे, उस जगह को दूसरी कुवतें, दूसरी फोर्सेस, दूसरे लोग फिल करते जाएंगे। मुल्क ने तो आगे चलना है, रियासत ने तो काम करना है अपना, जिसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। लेकिन दूसरी कुवतों ने भी इशारे दे दिए कि हम जमहूरियत के साथ हैं, वो इशारे भी हमें मिल चुके हैं। मुझे ब्रेक लेने दें। जमहूरियत के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है, जमहूरियत के साथ हम नहीं है। और हुकूमत जमहूरियत, जमहूरियत के साथ जमहूरी है ना, हुकूमत भी तो जमहूरी है ना। जमहूरियत में फर्क होता है बहुत बड़ा। सही, मुझे ब्रेक लेने दें। मुझे नाज़रीन ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। के बाद खुश आमद। डॉक्टर साहब, अगर पानामा लीक्स का मसला ऑपोजिशन सड़कों पर भी हल नहीं कर पाएगी तो ये ऑपोजिशन के लिए यकीनन आखिरी चांस होगा। उसके बाद फिर आप समझते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और मामलात को भी अपनी मर्जी से ही चलाएगी, और ऑपोजिशन फिर ये बात नहीं उठा सकेगी, पानामा लीक्स का मामला दोबारा से नहीं उठ सकेगा और ना ही कभी हल हो सकेगा। देखिए, मुझे ये इस बात की उम्मीद थी, थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद हुकूमत कुछ सेंस प्रिवेल करे, कर्जा माफ़ी के जितने केसेस हैं उनको भी डाला जाए और इनको भी डाला जाए जो कि पनामा लीक्स में नाम है, और अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी हो जाए, उम्मीद थी मुझे शुरू में। लेकिन उसके बाद जो दोनों तरफ से बातें आनी शुरू, उन्होंने कहा कि वजीर आजम के खानदान को टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हम इन्हीं से चाहते हैं, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक क्या चाहती, पब्लिक चाहती है अक्रॉस द बोर्ड जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है वो भी जाए, जिसने कर्जे माफ करवाए बैंकों के वो भी जाए, जिसने भत्ते लिए वो भी जाए, जिसने जो जिस किस्म का क्राइम अक्रॉस द बोर्ड। कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानामा लीक्स पर हुकूमत को पकड़ना चाहती है, तहकीकात चाहती है, उधर हुकूमत स्विस अकाउंट का किस्सा दोबारा से खोलना चाहती है, और हंसती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब करप्शन की बात करती है ना तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और फिर जब रेंजर्स कोर्ट में जाकर ये कहती है कि करप्शन का 70% जो है वो बिलावल हाउस में जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस मुंह से करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, किस मुंह से करप्शन के खिलाफ लोगों को सड़कों पर निकालेगी? पहली गुजारिश तो ये है जी कि अगर किसी को ये गुमान, ये इल्जाम ये दुरुस्त है और किसी के पास कोई सबूत है तो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को, जिस शख्स पे इल्जाम है उसको अदालत में लेके जाए। पीपल्स पार्टी तो अपने करदा ना करदा गुनाहों की सजा हर दौर में भुगतती रही, लेकिन लेकिन तो
हम तो मुतालबा कर रहे हैं जी, हम कोई ये नहीं कह रहे कि उन्होंने करप्शन की है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पनामा पेपर से पैदा होने वाली सूरत हाल की तहकीकात कराए। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं कि अगर हुकूमत के हाथ साफ है तो वो अपने आप को बरी करा ले। उसका जवाब ये देना, आज अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा तो बड़ा बड़ा भोंडा बयान दिया। क्या बयान दिया कि जी पीपल्स पार्टी को उन लोगों के भी खाते खुलेंगे फिर कोई बचेगा नहीं। अगर भाई आपके इल्म में है तो आप अपने इस इल्म में आप तो मुजरम हो गए कि आप हुकूमत में हैं और आपके इल्म में है कि कुछ लोगों के अकाउंट बाहर है, आपके इल्म में है कि कुछ लोगों ने करप्शन की है और आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे और आप सियासी मसलत का शिकार हो, तो आप तो बेअसूल हो, आप तो कौम के मुजरम हो। आपने इकरार कर लिया इस बात का, आपका हक बनता है कि जो जो भी है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन उनके खिलाफ केस करो। और दूसरी बात यह है कि हमें बिल्कुल एतराज नहीं है जिसके खिलाफ इल्जाम है। हमने तो बार बार कहा, गवर्नमेंट के TOR बैन ही ये थे ना, जिन लोगों पे इल्जाम है कि उन्होंने दौलत बाहर ले गए हैं, पैसे कमाए हैं, प्लान किया है, उन्होंने करप्शन की है या उन्होंने कर्जे लेके माफ कराया, तो हमने कहा हमें कोई एतराज नहीं, आप उनकी तहकीकात कर लें। तो पीपल्स पार्टी तो ऑफर कर रही है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पनामा पेपर से पैदा होने वाली सूरत हाल पे तहकीकात करा ले। सारी दुनिया में उसकी तहकीकात हो रही है। ठीक है, TORs पर कंसेंसस नहीं हो पाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आएगी, PTI भी सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है, तो हम समझेंगे नून लीग के साथ आपकी जो एक मफामती पॉलिसी चलती आ रही थी इसका एंड समझा जाए। मफामत से मुराद ये कतन नहीं थी कि हम किसी भी बेअसूली को सपोर्ट करेंगे, ये बात गवर्नमेंट, हम तो सिस्टम के साथ थे और हम आज भी रिकंसिलिएशन के तहत चलना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन क्या, लेकिन है? जब 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था, जरदारी साहब भी कहते थे कि धांधली हुई है 2013 के इंतखाबात में, तब तो आप नहीं खड़े थे इस हुकूमत के खिलाफ, तब आप लोग जमहूरियत के साथ। आप जरा रिकॉल कीजिए, पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर पैरुल कादरी साहब का भी साथ दिया कि उनके लोग शहीद हुए, उनके लोग जख्मी हुए हैं, और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब का भी साथ दिया कि वो उनका मुतालबा दुरुस्त है। जब तक उनका धरना पीसफुल था हम उनके साथ थे, और जिस दिन उनका रुख पार्लियामान की तरफ हुआ उस दिन हम पार्लियामान के साथ खड़े हुए। ये मीडिया वाले दोस्तों को पता नहीं क्या हो गया है कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हुए सोचते ही नहीं है। आप जरा सोच लें, आपके आर्काइव्स में पड़ा है, अपनी याददाश्तों से उसको बाहर निकालिए बातों को, सिर्फ पीपल्स पार्टी के। लेकिन आप लोग ही कहते थे कि हम किसी ऐसे रास्ते पर नहीं जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी ना कि जमहूरियत को डीरेल नहीं करेंगे, किसी ऐसे रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे कि जमहूरियत डीरेल हो। आज भी हम कहते हैं कि जमहूरियत को डीरेल नहीं करेंगे, लेकिन जमहूरियत को डीरेल ना होने देने वाली मुस्लिम लीग ने भी कभी को कंट्रीब्यूट किया है? मुस्लिम लीग भी जमहूरियत के साथ नहीं खड़ी हुई है, तो बेनिफिशियरी रही है हमेशा। आमरियत के खिलाफ जंग तो हमेशा हमने लड़ी है, इनका कौन सा दौर है जिसने आमरियत के खिलाफ ये लड़े? एक दौर जो परवेज मुशरफ का था उसने क्या कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम लीग का? बीबी शहीद पाकिस्तान आई थी और एनआरओ पे हमें बड़े ताने देते हैं, उस एनआरओ के तहत वो आई थी तो बाकी लोग मियां साहब के रास्ते खुले थे। अब आप समझते हैं कि आप भी सड़कों पर होंगे, खान साहब भी सड़कों पर होंगे, अगर ताहिरुल कादरी साहब भी सड़कों पर होंगे तो अब जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होगा? देखिए, आप क्या आपका ख्याल है कि जमहूरियत को खतरा होगा इससे? क्या आप ये समझते हैं के पनामा पेपर्स का तहकीकाती मुतालबा करने के बाद फौज टेक ओवर कर लेगी? क्या आप ये समझते हैं जो सवाल कर रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं? तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जमहूरियत बचाने वाले हम हैं, सिस्टम को हम बचाए रखेंगे, आप तहकीकात कराएं। ये क्या बात हुई कैसे जमहूरियत को खतरा होगा? कोई खतरा नहीं होगा जमहूरियत। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। जफरी लाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब जी वक्त बहुत कम रह गया। देखिए शाहजी, आप बड़े मजे की बातें हैं। अगर बात आप सिंपल बात हो रहा है कि इस किस्म की टर्मोइल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आप देखिए सीपेक किधर जा रहा है, चीनी क्या सोच रहे हैं, क्या वो खुश हैं, क्या वो समझते हैं कि ये मुल्क और इनके जो इस मौजूदा लीडर्स हैं ये इंप्लीमेंट कर सकेंगे इस प्रोजेक्ट को, जब वो खुद इतने क्या कहते हैं करप्शन और हर चीज में मुब्तला है? नो, आई डोंट थिंक सो। उनको अब फिक्र आया होगा, और जब उनको फिक्र आता है तो हमें भी फिक्र करना चाहिए। एक दूसरी बात, जरदारी साहब इस वक्त आज अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो हिलरी क्लिंटन के मेरे ख्याल में फंड रेजर पे वो जाएंगे और अपना $10,000 जो भी है कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे या शायद ज्यादा करेंगे।
उनको भी सिग्नल्स आ रहे होंगे, मुझे पता चला है कि उनको भी सिग्नल्स आ रहे हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त ये किस किस्म की गवर्नमेंट है और इनसे कुछ ये मामला हल नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जब लोग कहते हैं कि हम सब चाहते हैं डेमोक्रेसी, यस, मगर एट व्हाट कॉस्ट, और ये सोचना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है, योर लास्ट कमेंट प्लीज। जी मैं तो बिल्कुल जो सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जो इररेलीवेंट करेक्टर्स हैं उनको उठा के साइड पे कर दें, उनका कोई ताल्लुक नहीं है ना रियासत के साथ, ना सफारतकारी के साथ, ना दाखला, उनको साइड पे कर दें और ऑफिशियली कह दें कि यार अब ये इनको छुट्टी पे भेज दिया गया है या जहाँ भेजने भेजें और मुल्क को आगे चलाएं। ये कराची में जो आज जो इजलास हो रहा है इसके बाद मेरा ख्याल है अब दोबारा इस तरह का, देखिए कितनी दफा आर्मी चीफ गए, कितनी दफा आर्मी चीफ, इससे पहले वजीर आजम, इससे यानी किस लेवल पे इजलास होते रहे और नतीजा क्या निकला है कि वही पुलिस के अंदर चोरी चकारी, वही ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो जी मैं JIT नहीं बनाऊंगा, मैं साइन नहीं करूंगा, मैं ये छोटे छोटे लेवल जेब कतरे होते हैं, नन्हे नन्हे चोर, छोटे छोटे चलाकियां। अब बात यह है कि अब इससे आगे बढ़े, अगला इजलास जब हो तो उसमें एक लिस्टें आएंगी जी इतने जराएं पेशा अफराद को हमने ये सजाएं दे दी, इनको इतने लोग, इतने कातलों को हमने फांसी पे लटका दिया, इतने लोगों को हमने बेगुनाहों को आजाद, ये आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि आज के इजलास में फैसले क्या होते हैं और सबसे बढ़कर ये मुल्क में सही और सबसे बढ़कर ये कि उन फैसलों पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होगा। अगले इजलास में ये खबरें, खुशखबरी आनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब आपका, जफर हिलाली साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाजत दीजिए, अल्लाह।